सिद्ध भजो कार अवधो कया मंजन सार जियो। सुबह सुबह काउंटर खाली, मैं अगर नहीं होता तो भगवान जाने इस काला गेस्ट हाउस का क्या होता है। अरे राम, अरे क्या है दादू? तुम राधा हो? अरे राधा बेटी। हाँ पांडू, यही है तुम्हारी नन्ही सी राधा। पूर्णिमा जी आप भी। शुक्र है तुमने तो हमें पहचान लिया, वरना तुम्हारे काला साहब तो अपनी बीवी को और बेटी को बिल्कुल भूल गए थे। नहीं पांडू, सुबह सुबह तकलीफ। ये तुम क्यों, झटका लगा क्या? हाँ, कल ही रात को मैंने तुम्हारा सपना देखा। ओह रियली? हाँ, जब भी मैं कुछ ज्यादा खा लेता हूँ ना तो ऐसे डरावने सपने आते हैं मुझे। तुम बिल्कुल नहीं बदले। हटो, कस्टमर को अटेंड करने दो। यस मैडम, व्हाट कैन आई टू बी डूइंग फॉर यू? अरे आपकी आंखें आई हैं आलू बड़े, ये आपकी बेटी है राधिका। ये मैं नहीं, ये राधिका। हटो हटो राधिका, राधिका मेरी बेटी। दिस इज टू बी अ प्लेजेंटिंग सरप्राइज। मैंने माफ करना, मैंने तुम्हें तुम्हें पहचाना ही नहीं। देखो क्या, सुबह सुबह जब तक गर्म चाय मेरे भेजे में नहीं उतरती ना, तब तक मेरा पेट का मेरा मतलब है पांडू तुम चाय ले आओ सबके लिए। देखो देखो मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई, कितनी खूबसूरत लग रही है, और तुमने 10 साल मुझसे उसे अलग रखा। न जाने अब किस लिए आई हो। मैं इसलिए आई हूँ कि तुम्हारी बेटी शादी करना चाहती है, और मेरी बदनसीबी यह है कि कानूनन तुम इसके बाप हो, इसलिए परमिशन लेना जरूरी है। व्हाट यू टू बी लाइकिंग somebody? यस डैडी। विजय क्या अच्छा लड़का है, लंबा चौड़ा हैंडसम, और नेचर बिल्कुल आपकी तरह। हाँ, इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। अरे तुम्हारी पसंद से क्या फर्क पड़ता है, she to be marrying not you, you already marrying to me। यही तो मेरा रोना है, वरना मेरी शादी तो उस इंजीनियर से होने वाली थी। वो मिस्त्री क्या? अरे उसी से शादी करनी चाहिए थी, तुम्हारे कितने स्क्रू ढीले हैं न जाने। और तुम्हारे चेहरे पर तो हमेशा मातम छाया रहता है, लोगों के घर जब मैयत होती है ना तो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। देखो यू टू बी शटिंग अप लाइक दिस। शट अप, यू शट अप, आई से यू शट अप, यू शट अप। ओए अ गुड मॉर्निंग ब्रदर। You not to be brothering me, you mungus, I telling you. And what you doing, reading paper mine? ये तुम्हारा अखबार है? हाँ, ये मेरा अखबार है। क्यों? तुम अपनी जेब से इसके पैसे भरते हो? नहीं, I paying from cash box hotel. तो होटल के कैश बॉक्स में आधा पैसा तुम्हारी बहन का नहीं होता है? होता है, तो फिर? तो फिर तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, इसलिए इस पेपर पे आधा हक मेरा भी बनता है। अच्छा, इस पेपर पे आधा हक तुम्हारा बनता है। ये लो, आधा पेपर तुम्हारा। और ये तूने क्या किया बेवकूफा? इस पेपर के आधे पैसे तुम भरते हो, आधा पेपर तुम्हारा आधा मेरा। लेकिन ये आधा पेपर मैं कैसे पढ़ूंगा? पढ़ना है तो पढ़ो, वरना कचरे के डिब्बे में डाल दो। अरे रब्बा, मैंने आज तक तेरे जैसा नमूना नहीं देखा। तुम तो अब देख रहे हो, मैं तो कब से देखती आ रही हूँ। व्हाट यू मीनिंग, व्हाट यू मीनिंग माय दैट, व्हाट यू सेइंग? रहने दो रहने दो, तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझ, आई नॉट अंडरस्टैंड। You getting up from that chair? Out getting from there? ये तुम्हारी कुर्सी नहीं है, ये होटल की कुर्सी है, और इस कुर्सी पर आधा हक मेरा भी बनता है। ठीक है, ये कुर्सी तुम्हारे सर पे तोड़ के आधी कुर्सी तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है? अब उठते हो ये तुझे हटा कर दूँ मैं तेरी तुम्हें। ये क्या है? ये मेरी चाय है। ये फोकटी है, तेरे को चाय पीनी है ना, अपने रूम में ऊपर जाके पीना, किचन की चाय तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आएगी। ये सरासर नाइंसाफी है, ये तुम नहीं कर सकते हो, इस पर मेरा भी हक है। तुम चुप करते हो या इसी पेपर में लपेट के कचरे के डिब्बे में डाल दो तुम्हें? हाँ चुप कर। अबे हाउ डेयरिंग यू टू बी ड्रिंकिंग माय टी। देखो साला साहब, अगर तुम यहाँ पे चाय पी सकते हो तो मैं भी पी सकता हूँ, इस होटल पे मेरा भी हक है। तुमने मेरी बहन से शादी की इस होटल से नहीं, समझे ना तुम? क्या हुआ, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? अरे ये दिस इरिटेटिंग फेलो इज क्लाइमिंग माय नर्वस सिस्टम। अरे ठीक है, लेकिन हुआ क्या? उसने मेरी चाय पी ली पूरी। क्यों? ये मुझे यहाँ पे चाय नहीं पीने
हिस्सेदार हुआ है, मैंने फाड़ के आधा हिस्सा दे दिया उसको। तुम दोनों अपनी हरकतों से बाहर नहीं आओगे तो तुम लोगों को सजा मिलेगी, दोनों को कमरे में बंद करके रखूंगी। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी, ये कुकिंग कंपटीशन है, अगर हमारी रेसिपी सिलेक्ट हुई तो हमें टीवी पर फाइनल्स के लिए जाना होगा। देखो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, राधिका की शादी सर पर है, बहुत काम पड़ा है। ओहो इनाम के बारे में तो सोचो, 1.5 लाख मिलेंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इधर इधर आओ, इधर आओ। क्या तुम क्या बकवास कर रही थी अभी? देखो भूरे, मुझे तुम्हारे बहन का पार्टनर होने में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे लेकिन इनाम के पैसों के बारे में तो सोचो ना। देखो राधिका की शादी सर पे है, अपने को पैसों की जरूरत है, तुम हाँ कहना उसे। बट नहीं, नो बटिंग फटिंग, यू गोइंग कॉन्टेस्टिंग गैदरिंग। ओके बाबा, तुमसे पैसों के बारे में बहस करना ही बेकार है। करेक्ट, अब तुम भाग लोगी ना? हाँ भागूंगी। भागू नाटी बड़ी बड़ी, चल बोलते दीदी। दीदी शी एग्रीइंग कॉन्टेस्टिंग, वेरी गुड। अब तीसरा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। क्यों ढूंढना पड़ेगा, किट्टू से पूछ लो। हाँ गुड आइडिया, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। तू चुप कर, चलो चलो उसे पूछते। अरे ओ वहां कहां जा रहे हो, लिफ्ट से चलते हैं, मैं लिफ्ट चालू कर लेता हूँ। तुम सीढ़ियों से जाओ, लिफ्ट में सिर्फ 3 लोग लेते हैं। लेकिन मैं लेकिन तो लेकिन कुछ नहीं, आधा आदमी भी नहीं चलेगा। चलो वो 50,000 के लिए इतना भी नहीं कर सकते, जाओ ना। एक रेसिपी कंपटीशन है और चांदनी बहन कह रही थी कि पूर्णिमा बहन और उनके साथ मैं भी पार्टनर बन जाऊं, अगर हमारी रेसिपी सिलेक्ट हो गई तो हम फाइनल्स में टीवी पर आ सकेंगे। और अगर हम फाइनल्स में जीत गए तो 1.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए मुझे मिलेंगे। 50,000 रुपए? अरे तो जाओ ना जल्दी जाके। अरे रिलैक्स, मैं ऑलरेडी पार्टनर बन चुकी हूँ, तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ। 50,000 रुपए? हाँ सोचो, 50,000, 10, 20, 30, 40, 50। दीदी वो तुम्हारा छचुंदर का है, छचुंदर जॉगिंग करने गए हैं। जॉगिंग? अरे आप देखते ना तो मजा आ जाता। हा? वो हाफ चड्डी गंजी वो टेनिस के जूते, नमूना लग रहा था नमूना। अरे यू मीन टू से ही टू बी वेयरिंग जॉगलिंग शूज? अंदर जाके अपना काम करो, कोई नमूना वमूना नहीं लग रहे थे। ये देखो आ गया। हाँ की हाल है मेरी चंदो? बंदर की तरह फुरा का बंद करो। Why are you painting? He not to be painting दीदी, he half painting। बुरे हंसो मत, कहाँ तक गए थे? ओ गली के नुक्कड़ तक। पूरे बाप रे इतना लंबे भागे आप, 25 कदम उस तरफ और 25 कदम वापस। बुरे थक गए हो ना, चाय पियोगे? हाँ थैंक यू। ये चांदनी को और कोई नहीं मिला क्या? क्या हुआ बुरे? कुछ नहीं, चांद इसकी चाय पी गया। चांद को मारो गोली। अपने उस कॉन्टेस्ट का क्या हुआ, रेसिपी भेजे तो 15 दिन हो गए। शायद उन्हें अपनी रेसिपी अच्छी नहीं लगी होगी। नहीं नहीं, अभी मैं अंदर टीवी देख रही थी, उन्होंने बताया फाइनल जीतने वालों को लेटर्स भेज दिए गए हैं और हाँ आज रात टीवी पर उनके नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारे लिए कोई लेटर नहीं आया। अरे हाँ पूरे, डाक आए तो बता देना। हाँ डाक तो आ गई, तो हमारे लिए कोई लेटर नहीं था? हाँ वन लेटर आई गिविंग पांडू, गिविंग टू ही नॉट गिविंग। पांडू पांडू, अबे पांडू क्या चिल्ला रहा? अरे क्या कोई इमरजेंसी है क्या? आई गिविंग यू लेटर गिविंग टू दीदी, यू गिविंग? क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो ना दीदी, मैं इसे ऑर्डिनरी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, नॉट टू बी अंडरस्टैंडिंग। वो तो हिंदी में बोलो ना। अरे मैंने तुम्हें दीदी को देने के लिए एक लेटर दिया था, वो तुमने दे दिया। हाँ ये प्रोफेसर साहब को दिया था मैंने, ये ऊपर जा रहे थे, मैंने बोला दीदी को दे दो। प्रोफेसर साहब वो लेटर कहाँ है? लेटर? मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला। अरे पांडू, अरे पांडू ने आपको लेटर दिया था दीदी को देने के लिए, वो लेटर? हाँ वो लेटर। हाँ वो लेटर कहाँ है? वो तो मैंने दे दिया। दे दिया लेकिन मुझे तो नहीं मिला, किसको दे दिया? अरे यार तुमने कहीं डाक में वापस तो नहीं डाल दिया? नहीं वो, हाँ वो मैंने इन्हें दिया। अरे यार प्रोफेसर साहब आपको चांद और चांदनी के बीच फर्क नहीं मालूम? अबे ओए चुटकी, वो कहाँ है लेटर? वो लेटर? कौन सा लेटर? अरे वो लेटर जो दीदी को देने के लिए दिया था। दीदी? ओ मेरी तो कोई दीदी नहीं है। वो दी? मेरी दीदी तेरी बीवी। ओ वो लेटर? हाँ वो तो मैंने तेरे को दिया था। बुरे कहाँ गया वो खत? ये राजी बड़ खुली ना पूरी गल। पांडू जी? हाँ नहीं
एक कप गरम चाय मिलेगी। नो टी नो ब्रेकफास्ट, आज किचन बंद है। हमें 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। चलो चलो किट्टू को बता। चलो चलो हम टीवी पर आएंगे। तू नहीं, हमारी बीवियां और किट्टू। हाँ। समझे ना। चलो 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 खोलता हूँ। चलो चांद चांद तुम जाके आराम करो। हाय। यू नो किट्टू, 4 दिन हुए जब से तुम उस कुकरी कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हुई हो। कभी तुम बुक्स देख रही हो, कभी नोट्स बना रही हो, कभी नए नए डिशेस ट्राई कर रही हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। डार्लिंग, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हर रोज तरह तरह की फैंसी डिशेस खाने को मिल रही हैं। हाँ, ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द मैं मोटा और दिवालिया हो जाऊंगा। यू नो इन फैंसी डिशेस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, आज मैं डिनर के लिए नासी गोरेंग बनाने वाली थी, लेकिन तुम कहते हो तो कोई इडली वगैरह बना लेते हैं। ये नरसी गोरी कौन है? नरसी गोरी नहीं डार्लिंग, नासी गोरेंग। ये एक फ्राइड राइस है। फ्राइड राइस? तो फिर तुम फ्राइड राइस सीधा क्यों नहीं कहती? ये नरसी गोरी, नरसी गोरी। मुझे क्या पता, मैंने नाम थोड़ी रखा। फिर किसने रखा? वो छोड़ो ना डार्लिंग। सुनो, कल ना चांदनी बहन, पूर्णिमा बहन और मैं शॉपिंग के लिए जा रही हैं। तो वो पॉट्स पैन्स मसाले वगैरह खरीदने हैं ना, तो 700 रुपए दो ना। 700? तुम पागल हो गई? डार्लिंग प्लीज दो ना, जरा सोचो, 50,000 रुपए के आगे 700 रुपए है क्या? मैं शॉपिंग के लिए गाड़ी ले जाऊं? नो, देखो तुम शॉपिंग के लिए गाड़ी नहीं ले जा सकती, उसके लिए मैं तुम्हें 50 रुपए और देता हूँ, टैक्सी से चली जाना, समझी? ये औरतें कहाँ चली गई भगवान जाने। हाँ जी, रब जाने या वो जाने। 9 बजे गई थी, कितनी देर हो गई। यू टू बी लुकिंग लाइक द बैंडेज्ड क्वीन। क्या हुआ? क्या ये पूछो, क्या नहीं हुआ? अच्छा, क्या नहीं हुआ? शट अप। हमने कॉर्नर से एक टैक्सी पकड़ी। पता नहीं वो टैक्सी वाला अपने आप को क्या समझ रहा था, ऐसे टैक्सी चला रहा था जैसे कोई रेस जीतनी हो। ब्लडी फूल। तो फिर क्या हुआ? वो सिग्नल तोड़कर निकला और सामने से आती हुई बस में ठोक दिया। शुक्र है वो बस धीरे चल रही थी, वरना न जाने क्या हो जाता। भला हो उस पीछे के गाड़ी वाले का, वो गाड़ी में बिठा के हमें अस्पताल लेके गया और पट्टियां करवाई। हाँ। ओह, और डार्लिंग कुछ टूटा तो नहीं? हाँ, इस हाथ में फ्रैक्चर है और इसमें स्प्रेन है। और मेरी उंगली में हेयरलाइन फ्रैक्चर है और भेजे में मोच आई है। किट्टू, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर साहब कहते स्लिप डिस्क है और गर्दन में चोट आई है, 2-4 हफ्ते तक कुछ काम नहीं कर सकती। वो ड्राइवर को तो कुछ नहीं हुआ ना? ए पांडू, यू गेट आउट बिफोर आई हैपनिंग समथिंग टू यू। सब करण की वजह से हुआ। व्हाई यू टू बी फॉल्टिंग करण? बट वो मुझे गाड़ी दे देता तो ये सब होता ही नहीं ना। हाँ, फिर तो इससे कुछ ज्यादा ही होता। काश मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, राधिका की शादी का बहुत काम बाकी है। अरे लेकिन वो है कहां अभी? वो अपने इन-लॉज के साथ पिकनिक पर गई है। ढेर सारा खाना बना कर गई है। खाना? खाने से मुझे याद आया, तुम लोगों का जो वो कुकिंग कंपटीशन है उसका क्या होगा? हाँ, उसका क्या होगा? तब तक तो हम ठीक भी नहीं हो पाएंगे। हाँ, अब क्या करें? क्या करें? क्या 1.5 लाख को भूल जाओ? अरे व्हाट यू टू बी सेइंग, 1.5 लाख को जस्ट लाइक दैट भूल जाओ? चांद, तुम कोई आइडिया सोचो ना कि हमारे 1.5 लाख भी ना जाए। आइडिया मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है? तुम तो मेरे से बात नहीं कर रहा था ना। अरे बाबा, वक्त पे कभी कभी गधे को भी बाप कहना पड़ता है। बोल बाप। तूने मुझे गधा कहा? नहीं, मैंने तुझे बाप कहा। तूने गधा कहा? क्या बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? चांद, क्या है बताओ आइडिया? मैं बताता हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि उन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वालों में से किसी ने तुमको देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बस, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे तुम्हारी जगह कोई और चला जाएगा, रेसिपी बना के प्राइज ले आएगा। अबे भूचू, जो कोई और चला जाएगा उसके साथ शेयर करना पड़ेगा ना प्राइज। ओहो, किसी आउटसाइडर को इन्वॉल्व करने का मेरा इरादा थोड़ी है।
मेरा कहने का मतलब है मैं मुझे मुड़ा के चांदनी बन जाता हूँ, तुम पूर्णिमा बन जाओ और करण है ना किट्टू बन जाएगा। बस तुम लोग है हमें रेसिपी बनाना सिखा दो, हम बना के प्राइज जीत के ले आएंगे। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। नहीं हो सकता पापा, नहीं हो सकता। क्यों? अरे करण शॉर्ट पहनकर घर से बाहर नहीं निकलता, वो औरत कभी नहीं बनेगा। खाने में क्या खाओगे? पांडू 500 रुपए कमाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल अच्छा है, करना क्या है? चांद साहब के खाने में जहर डाल दूं। आइडिया अच्छा है लेकिन वो बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए किट्टू के कपड़े पहनकर किट्टू बनकर घूमना हो। लेकिन करण जी को मूछों वाली किट्टू चलेगी? तुझे मूछें मुंडवानी पड़ेंगी ना। अरे ये चांद भी अपनी मूछें मुंडवा कर चांदनी बन रहा है, ये तो वैसा ही उल्लू दिखता है। ए! वो बात तो ठीक है। अच्छा अच्छा, हम तुम्हें 1000 देंगे। नो। 2000? नहीं नहीं। अच्छा बाबा 5000। 5000 बार नहीं नहीं और नहीं। अब क्या करें? क्या करें? उंगली तो और लगी। मिस्टर काला, मिस्टर काला, एक रिक्वेस्ट है, एक कप चाय मिलेगी? प्रोफेसर साहब, कुछ पैसे कमाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं ख्याल है, क्या करना पड़ेगा? मैं बताता हूँ। भाई और बहनों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब वक्त आ गया है स्वामी मसाले द्वारा आयोजित मॉलीवुड मसाला कॉन्टेस्ट के विनर्स के नाम अनाउंस करने का। जी हाँ दोस्तों, इस टीम में भाग लेने वाले लोगों ने आज सारी दोपहर बैठकर, जागकर, लेटकर, सोकर, जैसे भी करके ये डिश तैयार की है और हमारे जजेस ने चखकर, परखकर, फिर भी जिंदा रहकर यूनानिमसली यानी कि एक मत होकर इस डिश को इनाम दिया है। और टीम का नाम है, मैं अभी आपको परिचय देता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ बारी बारी से। तो दोस्तों आप रेडी रहिए, पहले सदस्य है पूर्णिमा काला, किटू राज, चांदनी सिंह, गिव देम अ बिग हैंड। हैंड से मेरा मतलब है तालियां, तालियां। हाँ तो लेडीज, अब आप हमें ये बताइए कि देखिए हम लोगों ने जो है स्वामी मसाले को ए मार्क दिया था और साधारण मसाले को बी मार्क दिया था, तो आपने अपनी विनिंग डिश में कौन से मसाले का इस्तेमाल किया? इसका। मैंने तो ये वाला मसाला यूज किया था। चल ये कहाँ डाला था, ये डाला था। अरे नहीं नहीं, ये वाला डाला था। मैं कहता हूँ ये मिला। सुनिए सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। देखिए देखिए देखिए, ये जो कॉन्टेस्ट है ये स्वामी मसाले वालों ने आयोजित किया, प्राइस भी वही दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये यूज किया था, हम क्या करें? Stop it. दर्शकों माफ कीजिएगा, लगता है हमारे जजेस से कोई गलती हो गई है। हम कमर्शियल ब्रेक के बाद आप लोगों से मिलते हैं और आपके सामने विनर्स का नाम अनाउंस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेकअप जरा। हम आप लोगों को ये इनाम नहीं दे सकते। Why not? क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं कहा कि प्राइज विनिंग डिश में आपने स्वामी मसाले का इस्तेमाल किया। नहीं नहीं, मैंने तो वही मसाला डाला था। क्या? लो सुनो। हाँ, ये लोग जब सब्जियां काट कर मिक्स कर रहे थे तभी मैंने वही मसाला डाला था। Are you sure? हाँ। आपने स्वामी मसाले का इस्तेमाल किया था? हाँ। लेकिन आपने स्वामी मसाले का इस्तेमाल क्यों किया जबकि आपके टीम मेट्स ने इस मसाले का इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि दूसरे मसालों का लेबल प्लेन है, स्वामी मसाले का लेबल बहुत खूबसूरत है। चलिए मिसेस राज, हम आपकी एक्सप्लेनेशन मान लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये नाम आप ही को दिया जाए। मिसेस राज? कौन मिसेस राज? मैं तो प्रोफेसर फड़के हूँ। चुप। इनका मतलब है ये मिसेस राज है प्रोफेसर फड़के की बेटी। नहीं नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं। आपके बाप की बेटी है। लेकिन मैं चक्कर इसे खास रही थी ना इसलिए गड़बड़। कमर्शियल ब्रेक खत्म हुआ, यू आर ऑन कैमरा अगेन। वेलकम बैक दोस्तों, हमारे जजेस ने फैसला ले लिया है और विनर्स वही हैं। जी हाँ, यही तीन विनर्स हैं हमारे, तो इनसे मिलिए और इनको जोरदार तालियां से इनका स्वागत कीजिए। आप लोगों को पहला पहला इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। Where is being our prize? आप लोग क्या समझिए, आप लोगों को इनाम नहीं मिलेगा? अरे कल सुबह 10 बजे मैं पर्सनली आप लोगों को इनाम लेकर आ जाऊंगा। नॉटी। यकीन है कि वो 1.5 लाख रुपए लेकर आएगा?
अरे तुमने सुना नहीं क्या कल की, मेरा मतलब यू नॉट लिसनिंग ऑन टीवी, ही कमिंग मींस ही कमिंग। लेकिन वो 10 बजे आने वाला था। चांदनी बहन अभी तो 7 ही बजे है ना। अरे वो काला साहब की घड़ी है, पिछले 2 साल से 7 ही बजा रही है। काला साहब, काला साहब, मिस्टर काला, मिस्टर काला, काला साहब। हेलो लेडीज, काला साहब कहाँ है? मुझे काला साहब से बात करनी है। बोलिए। क्या बोलूं? अरे यू सेइंग यू वांटिंग टॉकिंग टू काला टॉकिंग, तो मुझे काला साहब से बात करनी है। प्रोफेसर साहब, यही मिस्टर काला है। हा? ये काला नहीं, ये तो काली है। ये? प्रोफेसर साहब कहा ना, यही मिस्टर काला है। देखिए, मैं भुलक्कड़ जरूर हूँ लेकिन अंधा नहीं। चुप। हेलो एवरीबॉडी, मैं आ गया आपके नाम लेकर और वादे के मुताबिक ठीक 10 बजे। गुडली गुडली, थैंक यू। पूर्णिमा जी प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए ना। एक्सक्यूज मी, ये पूर्णिमा जी नहीं जी, ये तो मिस्टर काला है। प्रोफेसर साहब, ये कौन है? मैं है, ये प्रोफेसर फड़के हूँ। ओह, तभी आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मैं आपकी बेटी से कल मिला था। वेरी चार्मिंग गर्ल। बेटी? मेरी कोई बेटी नहीं है। चांद रुमाल पांडू ले जाए। हाँ, आओ प्रोफेसर साहब, आओ। हाँ, मैं आपको बढ़िया चाय बनाता हूँ। करना हाँ, चाय। हाँ, चलो चलो। आप ना इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, ये तो ना जरा यूं है। अच्छा अच्छा, तभी इनकी बेटी भी कल जरा यूं थी। लाइक फादर लाइक डॉटर, शेम टू शेम। हमारे इनाम लाया कि नहीं? ऑफ कोर्स लाया हूँ। बॉयज कम ऑन कम ऑन। गुड गुड गुड। Yes, what this to be? हमारे 1.5 लाख रुपए अब चिल्लर में लाए क्या? जी नहीं, पैकेज में 1.5 लाख रुपए के सभी मसाले खाइए और जीवन को आनंददायक बनाइए। दीदी।